This news is sponsored by Red Rose Primary and High School. मैं मोहम्मद फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इलाफ न्यूज़। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته आज के दिन तमाम जाजे कराम जो बीदर जिले से मुंतखब हुए थे उनको यहां पर बुलाना एक मकसद ये था कि उनके वो मुकद्दस कदम यहां पर पड़े ताकि हमारे दिलों में इनकी तबीयत इनका जाना एक खुशी का बाइक बना है। हुजाज कराम की तरबियत उनकी तो यूँ तो होती रहती है लेकिन हमारा मकसद यहाँ पर हुजाज कराम की तरबियत का ये था कि वो आए तो हमारे उनके नए कदम हमारे यहाँ नए कदम बढ़े तो हमको भी दुआएं मिलेंगी और इंशाल्लाह काबतुल्ला पे जब भी इनकी नज़र पड़ेगी ये जो 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 भी दुआ हमारे लिए करेंगे अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। बिलखसूस इस तरबियत का इंतमाम करने वाले मोहम्मद अब्दुल जलील साहब का भी बहुत इसमें ये रहा है मुतहरिक रहे हैं इनका हाथ रहा है। इनका मकसद यही है कि तमाम जितने भी हुज्जाज कराम हैं काबतुल्ला जाकर अल्लाह की बारगाह में फैमिली के लिए दुआ फरमाएँ तमाम मुसलमानों के लिए दुआ फरमाएँ आलम इस्लाम के लिए दुआ फरमाएँ मुसलमानों की जितनी भी कमजोरियाँ हैं उसको अल्लाह ताला दूर करके इनके नेक और एक बनने की तौफीक के लिए दुआ फरमाएँ। इसी मकसद के तहत यहाँ पर ये तरबियत का इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह के फजल से दो दो उलमा हजरात आए हुए हैं जो आलिमुल हुज्जाज हैं। सुबह के सेशन में एक जो मुकम्मल काबतुल्लाह के बारे में बयान फरमाए हैं और मदीना मुनव्वरा की पूरी मुकम्मल तफसीलात समझाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम सब दुआओं में तमाम शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जी सामाईन इकराम मैं ये जलसा 1914 से और 1915-16-17 तक अंजाम देते आ रहा हूँ और मैं संपर्क में लेवा हूँ। अब मेरी दिल ख्वाहिश है कि हर साल ऐसा ही मेरी जो है जो ख्वाहिश है कि आइंदा साल भी मैं जमे आजम करूँगा। बहरहाल अभी तो मैं कहते हुए मेरी बात ला शरीक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक वन्नियमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।